तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरी बार शपथ ले रहे हैं। ऐसे में यूपी के बदायूं से बीजेपी के टिकट पर जीतकर दिल्ली पहुंचे संघमित्रा मौर्य से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बात की है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बदायूं से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, इनसे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, बीजेपी के लिए और आपके लिए कितनी बड़ी जीत है और कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन मानती हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज सिर्फ मेरे लिए या सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। अगर आपकी बात करें, आपने बदायूं से धर्मेंद्र यादव को हराया है, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती और आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? चुनौती तो जो थी वो 23 मई को खत्म हो चुकी है। प्राथमिकताएं हमारी, हमने शायद पहले भी बताया है कि हमारी प्राथमिकता होगी शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो बदायूं लोकसभा में है, कनेक्टिंग रोड की है, कनेक्टिंग रेल की है, तो उन दोनों पर हमारा ध्यान होगा कि हम बदायूं को सीधे लखनऊ और दिल्ली से बाई रोड भी जोड़ें और बाई ट्रेन भी जोड़ें। इसके अलावा अगर आपकी बात करें, पूरे देश की जनता ने भरोसा जताया है नरेंद्र मोदी सरकार पे। अगर आपकी बात करें, आपको देश का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर इस देश का भविष्य बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। 5 साल बीता है और उससे भी अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि 5 साल मोदी जी ने जो किया इस बार वो और अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि उनके देश ने जो विश्वास उन पर जताया है उस विश्वास पर वो खरे उतरेंगे। और हम लोगों को भी जिस तरह से पहले ही दिन माननीय मोदी जी ने दिशा निर्देश दिया है, निश्चित तौर पर हम सब भी उन्हीं कदमों पर चल करके इस देश पर, इस देशवासियों के विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे संघमित्रा मौर्य जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ ममता चतुर्वेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।